रीवा को महानगर बनाने का सपना रीवा की जनता रात में सोते समय देखती है और सुबह होते ही फिर से उसे बदहाली भरी जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। रीवा को महानगर बनाने का सपना कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा की जनता को दिखाते हैं, वह भी चुनाव के समय। लेकिन उसके बाद जनता कीचड़ में और नेता मंत्री विधायक सांसद महापौर पार्षद सब एसी वाले कमरे में, जहां एक तरफ रीवा में सीमेंट कंक्रीट का जोड़ो तोड़ो बनाओ बिगाड़ो का विकास कार्य वर्षों से चल रहा है, तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि सरकारी योजनाओं को तमाचा मार रहे हैं। कहने को तो सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है जिसमें गरीबों को आवास, गरीबों को पक्की छत मिलने का प्रावधान है, लेकिन इसका भी हक छीनकर पक्की छत के नीचे रसूखदार रहते हैं। रीवा की कुछ जगह की तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि हालात क्या है। रीवा की सुंदरता को ग्रहण लगाती निराला नगर हरिजन बस्ती की झुग्गी झोपड़ियां बताती है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना कितना सफल है और किसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं आप शहर में कई जगह पर बने प्रधानमंत्री आवास में चले जाइए जहां पर लोगों की फोर व्हीलर गाड़ियां खड़ी हैं, उनको आवास मिले हैं। आपको बता दें कि जब हमारी टीम निराला नगर हरिजन बस्ती पहुंची, वहां लोगों ने अपनी दास्तां बयां की कि किस तरह से वह जीवन यापन कर रहे हैं। नाला पूरी तरह से पट चुका है जिससे बारिश होने के कारण पानी उनकी झोपड़ियों में घुसता है, पेट पालने के लिए रखा हुआ अनाज भी भीग जाता है। यूं तो रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा कभी कभार इस बस्ती में नाली की सफाई करने पहुंचते थे, लेकिन उनकी भी अनदेखी से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। प्रथम दृष्टया तो इन सभी को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और यदि मिला है तो फिर यह यहाँ कैसे रह रहे हैं। निराला नगर बस्ती में लगातार झोपड़ियों का विकास हो रहा है, लेकिन विकास पुरुष इन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वोट लेने के बाद नेता इनको भूल जाते हैं और ना ही प्रशासन कोई कार्यवाही करता। रीवा में विश्वविद्यालय रोड में पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर निराला नगर गेट तक एक जाई अतिक्रमण के रूप में यह बस्ती बसी हुई है, जिस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में जनता भी सड़ने को मजबूर है। आइए आपको सुनाते हैं, जब हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा ने वहां के रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ पीड़ा बताई है। बेचारे की बस पानी की वजह से फूल गए, फूलने के बाद उनका जो है खून खाना रहा सड़के गिर गए, अब नहीं बनाए जा रहे बेचारे। मेरा नाम है काजल।
क्या समस्या है यहाँ? अरे हमारी समस्या ना पूछिए, पूरा पानी की वजह से पूरा हमारा घर गिर गया। घर गिर गया, ये आप ही का है? हाँ ये हमारा ही घर है, गल्ला पानी जितना है सब वो भीज गया। तभी कल के बरसात में? हाँ कल की बरसात में। कोई सुविधा कोई नहीं है, कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ बोर्ड भर के लिए आते हैं कि बोर्ड हमें दो, बोर्ड हमें दो, एक भी कोई ना सफाई ना कोई घर ना द्वार कोई कुछ भी मिलता ही नहीं हम लोग को, कोई सुविधा है ही नहीं। बांस बल्ली भी सरकार कुछ नहीं, कुछ नहीं देती, हम लोग अपने से खरीद के बनवाते हैं सब कुछ। जमीन देने को सरकार बोली थी, क्या हुआ? कुछ नहीं मिला है हम लोग को, जमीन नहीं मिली, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? काजल अंजू। ये बाढ़ में क्या समस्या है? ये समस्या ये नाला सबके मड़ाई ओड़ाई बह जाता है, टूट जाता है, अब कौन समस्या बताए? ये नाला नहीं साफ हो, ना पक्का बना रहे हैं, ना पक्का ही बना बताए। पार्सल से शिकायत की है? पार्सल आए कि देख जाता है, अब क्या करी, पार्सल कुन नहीं करा, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं। ये जो मड़ैया है आप लोग ऐसे ही बांस में ताने हुए हैं, पानी कहाँ से पी रहे हैं? पानी सब पाइप है नाला में लगाए हैं, नाले का पानी वो पाइप से जाता है। हाँ दूषित पानी पूरा गंदा। हाँ उसी को पी रहे हैं आप लोग? उसी को पी रहे हैं। वैसे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो अब क्या करें, कहाँ जाएं पानी लेने? कोई सुविधा नहीं दिए हैं, कोई नहीं सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? दद्दू। कौन सा मोहल्ला है ये? निराला नगर है। निराला नगर हरजन बस्ती। हाँ क्या समस्या है यहाँ? अरे ये नाला जो है ये पानी भर जाता है सबके भीतरे, उनके मड़ाई चला गया, वो मड़ाई गिर गई, झोपड़ी जो बनी थी यहाँ सबके भीतरे, ये नाला बिल्कुल नहीं खना रहा है, समस्या ये है। पार्षद कौन है? सतीश सिंह। तो क्या वो उनसे बोले आप? वही तो, ये बस्ती के ये कारण है कि कोई नहीं जा रहा है, और तो वो सब काम कर रही हैं। शासन से क्या मांगना चाहते हैं? अरे ये शासन से है कि यहाँ जगह होगा दे दे, हम अपने घर अच्छे से बना लें, अच्छे से रहने लगे। शासन जमीन नहीं दे रही? शासन बस ये है, बस ऐसे बनाए रहा, ऐसे बनाए रहा, सदियों से चला आ रहा है, मड़ैया में रह रहे। हाँ जगह होगा नाप ओप के दे दे तो अच्छे से घर बनवा लें, ईंटा पत्थर गिरवा के। नाला की सफाई नहीं हुई? नाला की सफाई एक बार हुई थी बहुत पहले, अब ये सफाई नहीं हो रही। पहले अभी सफाई अभी नहीं हुई, अभी देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना कितना सारा कचरा भरा हुआ है। पीने का पानी कहाँ से? पीने का पानी ये नल से लेते हैं, वो भी नाली में लगा हुआ है। जी हाँ वो पाइप लगी हुई है, ये देख लीजिए आप लोग, वो हाँ वहाँ भी एक नल लगा है, ये नाला से पानी पाइप लगी हुई है, दूषित पानी जा रहा पूरा पूरा खराब, कभी कभी नाली के पूरा ऐसे खराब आ जाता है, फिर छान छान पीने पड़ता है पानी, इससे तो बीमारी होगी लोग पर, क्या करे, पीने तो पड़ेगा ही। हमारा गुलशन नाम है। ये कौन सा मोहल्ला है? निराला नगर। क्या समस्या आपके यहाँ? ये मड़ाई वाला नाला वाला समस्या है, नाला अभी बना नहीं रहे। हाँ तो मड़ाई तो बनवा दी, मड़ाई भी नहीं बनवा रहे। हाँ तो क्या करवाई थे? शासन कोई नहीं कर रहा, पार्षद आते कि नहीं आते? अरे कौनो नहीं आवा, फिर के झांकर नहीं आई, आवे के तो बहुत दूर की बात है। वोट लेने आए थे वो तो सब आवा था वोट के टाइम में। हाँ और अभी नहीं मिल रहा है पार्षद कुछ के नहीं जिंदगी में, उनकर काम बन गया ना, अब हमारा काम पड़ा रही लाग। आप लोग की क्या मांग है ये बताइए? अरे हमारा तो बहुत मांग है लेकिन दई न पूजी, बताइए क्या समस्या मेन लेन का? मैन यही है कि घर बनवा के दें, यही ठीक, जैसे वहाँ कॉलोनी नहीं बनवाए हैं ऐसे ईट कॉलोनी बनवा के दें, और नहीं तो जगह दें, फिर अपने से हम पंचे बनवा कमाए कट के जगह दे दे या कि जगह दे दी बस, मेन जगह दे। हाँ मैन जगह। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉ
डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।